नमस्कार दोस्तों, मैं पी एस सूर्यवंशी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। बच्चों, कुटुंब या परिवार हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है और जब वो बढ़ता है या उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उस परिवार के सदस्यों का उसके ऊपर बड़ा असर होता है। उसके विचार करने की क्षमता, उसके बोलने की क्षमता, इन सारी चीज़ों पर उस परिवार में रहने वाले लोगों का बड़ा असर होता है। जब वो परिवार के साथ रहता है तो परिवार के लोगों को वो देखता है, समझने की कोशिश करता है। कई सारी जो बातें होती है वो कई सारी बातें उनके व्यवहार से ही वो सीखता है। हर बच्चे के ऊपर उसके माता पिता का बड़ा असर होता है। कई बार माता पिता उन बच्चों के लिए इतना महत्व रखते हैं या उनका इतना असर पड़ता है कि कई बार बच्चा सोचता है कि वो अपने पिता के जैसा या बच्ची अपने माता के जैसे ही बनना चाहती है। उनके बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका औरों के साथ व्यवहार करने का तरीका, ये सारे तरीके भी अपने आप में लाने का प्रयास करते हैं। यानी एक तरीके से भी उन्हें अपना एक रोल मॉडल मानते हैं या उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने के लिए जाने वाले हैं उसमें भी हमारे जो लेखक हैं, लेखक ने अपने पिताजी के व्यवहार के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से उनके व्यवहार ने उन्हें बहुत ही प्रेरित किया है उनके जैसे बनने के लिए। आज हम जो पाठ पढ़ने के लिए जाने वाले हैं उस पाठ के जो लेखक हैं वो लेखक भारतीय हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और लेखक के रूप में जाने वाले हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल ठीक। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो लेखक से ज्यादा कवि के रूप में माने जाते हैं। उनकी जो कविता संग्रह है जिसका नाम था मधुशाला या कविता संग्रह, सभी जो हिंदी साहित्य के प्रेमी है उनके लबों पर है, उनके होठों पर है। यह कविता संग्रह इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि लोगों में आज भी इसकी चर्चा हम लोग को देखने को मिलती है। तो हरिवंश राय बच्चन जी हमें इस पाठ के जरिए उनके पिताजी का उनके ऊपर क्या असर हुआ था और उस वक्त देश की क्या हालत थी, स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग भी देखते हैं कि हरिवंश राय जी बच्चन के पिताजी का असर उनके ऊपर किस तरीके से हुआ था। पाठ कुछ इस प्रकार से है। पॉयलर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उन्हें विशिष्टता दे दी। अब यहाँ पर उनके काम करने की जगह या उनके दफ्तर के बारे में, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के दफ्तर के बारे में कहा गया है कि जब उनके पिताजी प्रताप पायलर की प्रेस में काम करते थे तब उनकी लिखावट, साफ सही हिसाब रखने की आदत और उनका विनम्र व्यवहार, इन सारी बातों की वजह से उन्हें उस दफ्तर में या उस जगह पर उन्हें जल्दी विशिष्टता मिल गई, एक विशेषता उन्हें मिल गया था। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा हुआ काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। अब उन्हें सहकारी की भावना उनके अंदर कुट कुट कर भरी हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी कहते कि उनके पिताजी हमेशा अपना काम वक्त पर कर देते थे, साथ ही साथ उनके जो सहयोगी थे उन सहयोगी का अगर कोई काम छूट गया होगा तो उस काम को पूरा करने के लिए उनकी फाइलें भी वो अपने मेज पर लेकर आते थे। ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी वे ऑफिस में बैठकर उस अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास किया करते थे। तो इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि हमारे अंदर दूसरों की सहकार्य करने का या दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। आगे भी कहते हैं, इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। अपनी इन्हीं व्यवहारों के जरिए वे सिर्फ अपने सहयोगी के प्रिय नहीं थे तो अफसर थे या जो बॉस थे उनके भी वो प्रिय बन गए। जिस व्यक्ति का काम साफ सुथरा होता है और टाइम पर वो अपना काम करता है, हर व्यक्ति उससे खुश होता है। अब
हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी ऐसे ही थे, वक्त पर अपना काम कर लेते थे और सहयोगी मित्रों की सहायता भी करते थे, इसलिए उनकी लोकप्रियता दोनों में थी। बॉस भी उन्हें चाहते थे और उनके सहयोगी भी उन्हें चाहते थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मापने में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज्यादा की तरफ। तो आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते कि उनके पिताजी के दफ्तर और उनके घर के बीच का जो फासला है वो कुछ 4 मील होगा। यहाँ पर वो अंदाजे से बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा अंदाजा हमेशा चूक जाता है जब वो ज्यादा डिस्टेंस के बारे में बोल रहे हो। तब वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। तो वे अपने घर से उत्तर के लिए हमेशा पैदल पर जाते थे, ना तो वे किसी टैक्सी या बस का इस्तेमाल करते थे ना ही साइकिल उन्होंने खरीदी नहीं। तो यहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन जी को ऐसा लगता है कि वे पैसे बचाने के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने साइकिल खरीदी भी नहीं और ना ही जिंदगी में कभी उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक पोशाक बनाई और जिनके दफ्तर के लिए उन्होंने एक पोशाक बनाई और जितने दिन दफ्तर गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे छरे शरीर पर खूब जलपती थी और दुपल्ली टोपी। आजकल आप लोगों ने देखा है यूनिफॉर्म हर जगह पर लागू हो गए, स्कूल के बच्चों को ही नहीं तो ऑफिस में जाने वाले लोगों के लिए भी उनका जो पोशाक है या यूनिफॉर्म निश्चित किया गया है और उसी को पहनकर उन्हें जाना पड़ता है। तो अब हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी ने भी अपने ऑफिस के लिए जो एक पोशाक तैयार की थी वो पोशाक कुछ इस तरीके से थी। वे ऑफिस में काला जूता, यानी उनके पैरों में हमेशा काले जूते होते थे, ढीला पजामा आप लोगों को मालूम है लोअर, अचकन जो उनके लंबे इकरचरे शरीर पर खूब पपती थी। अचकन का मतलब एक शेरवानी जैसा या एक लंबा सा कुर्ती जैसा एक पोशाक आती है, उसे अचकन कहा जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी की पिताजी की लंबाई भी अच्छी थी जो उनके पतले शरीर पर वो बहुत अच्छी लगती थी, साथ ही साथ वो दुपल्ली टोपी भी पहनते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। जब सर्दी के दिन होते तो सर्दी के दिनों में सर्दी से बचने के लिए उनकी माँ के हाथों से बना हुआ जो गुलबंद था उस गुलबंद को वे सर्दियों के मौसम में अपने गर्दन की तरफ रखते। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते, सिर पर फेल्ट कैप और उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। अब जब वे पारिवारिक किसी कार्यक्रम में जाते थे या कहीं और बाहर जाते थे तब वे अपनी ऑफिस वाली पोशाक नहीं पहनते थे। वे धोती और बंद गले का जो कोट था उसे पहनते थे और उस पे जो एक फेल्ट कैप जो आती थी उसे वे पहनते थे जो उस वक्त विलायत से मतलब विदेश से आती थी, इस कारण उसकी बहुत कीमत भी हुआ करती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता, मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं अच्छी मोटी मजबूत। तो उनके पिताजी जब बरसात के दिन वगैरह हुआ करते थे तो या धूप के दिन, तब वे धूप और बरसात से बचने के लिए अपने हाथों में हमेशा छाता रखते थे। जब मौसम साफ हो और रात को वे बाहर जाए तो उनके हाथ में छड़ी रहती थी, लेकिन छड़ी भी कोई मामूली नहीं, पतली से नहीं तो मोटी छड़ी रहती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार याद है शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। लेखक आगे कहते थे उनके घर में कोई लकड़ी नहीं है, कोई एक लंबी लाठी नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने लाठी चलाना सीख जरूर लिया था और उसका अभ्यास आज तक उनके दिमाग में फिर बैठा हुआ है। वे एक किस्सा सुना रहे हैं या एक बार के किस्सा कहते हुए कहते हैं कि एक बार उनके शहर में हिंदू मुस्लिमों का दंगा भड़क गया था, दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ के कंधे पर संभालते, बाया हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि लोग आपस में लड़ रहे झगड़ रहे तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने धोती को उठाया, अपने कुर्ते की बाहों को समेट लिया और जो उनका पहाड़ी डंडा था उस डंडे को अपने दाहिने कंधे पर रखकर अपने हाथों को हिलाते वे बाहर रास्ते पर नंगे पैर ही निकल पड़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने आया हूं,
लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। तो फिर उन्होंने कहा कि वहां पर जमाव के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं, अगर मैं लड़ने के लिए आता तो मैं अकेला नहीं आता, मैं अपने साथ और कई लोगों को लेकर आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं डंडा लाया हूँ तो डंडा सिर्फ मेरी आत्मरक्षा के लिए, अगर मुझे कोई ललकारता है या मुझसे लड़ाई करना चाहता है तो मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन शर्त है कि वो एक एक ही आए, एक समूह में या ग्रुप में ना आए। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बात हुई। तो आगे भी कहते कि सच्चा मर्द वही है जो बराबरी की लड़ाई लड़े, जो ग्रुप में आकर या समूह में आकर किसी को पीटे तो उसमें बहादुरी की क्या बात है, और निरपराध व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो उसका किसी तरीके का कोई अपराध न होते हुए अगर हम उसे मारे पीटे तो यह कहां की बहादुरी हुई, ये तो नाइंसाफी होती कि नहीं। अकेले सिर फेरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। आगे वे कहते कि एक सिरफिरा व्यक्ति ऐसी कुछ घटना करे तो समझ में आती है, लेकिन इतना जवाब, इतने लोग, क्या इतने लोगों में से कोई भी अपना दिमाग लड़ाकर ये बात नहीं सोच सकता है क्या। इस तरह की लड़ाई तो वे समझी की लड़ाई है, कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया, तो यह लड़ाई किस बात की है, किसी और जगह पर किसी और व्यक्ति को मारा, इसलिए उस धर्म या जाति के लोग हमारी जगह पर उस धर्म के या जिन लोगों ने मारा उस धर्म के लोगों को मारेंगे, ये कहाँ की बात हुई, किसी ने कहा और आपने सुन लिया और उस बात सुनी हुई बात पर गौर न फरमाते हुए डायरेक्टली आप एक्शन लेते हो, यह तो गलत बात है। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। तो आगे कहते कि अगर आप धर्म की बात करते हो तो आस पड़ोस में देखिए वहां पर इंसानियत नाम की भी चीज होगी। धर्म, कई बार हम आसपास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं तो तब हम एक दूसरे के पड़ोसी होते, नजदीकी होते, तब धर्म जात पात ये सारी बातें नहीं होती है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगी। तो आगे भी कहते कि इंसान एक साथ रहने के लिए जन्म लिया, मेल से एक दूसरे के साथ रहने के लिए, यह लड़ाई कितने दिन चलोगी और कितने लोग इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे या रहेंगे, दो तीन चार दिन, पांचवे दिन फिर सुलह से रहना होगा, कितने दिन, दो दिन चार दिन, लेकिन बाद में फिर से हम लोगों को सुलह कर या समझौता कर साथ में रहना है, फिर लड़ाई करनी ही क्यों है हम लोगों को। दो चार दस बारह 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से हिंदुत्व तो समाप्त होगा ना इस्लाम खत्म होगा, तो अगर हिंदू मरते हैं या मुसलमान मरते हैं तो इससे उस धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला या कोई मुश्किलें होने वाली, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके परिवार नष्ट हो जाते हैं, किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का बाप तो किसी का भाई, हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, अगर हमें साथ में रहना है, एक साथ मिलकर रहना है तो हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक डरे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। तो आगे वे कहते कि उनके पिताजी का जो जीवन प्राय यानी उनकी डेली रूटीन, उनका जो टाइम टेबल बना हुआ था उस टाइम टेबल के हिसाब से भी चलते थे, अगर किसी दिन किसी कारणवश हो तो उसमें ही थोड़ा सा बदलाव होता था, नहीं तो वे अपने टाइम टेबल में कभी भी चेंज नहीं करते थे, उनकी दिनचर्या जैसी बनी हुई थी वैसे ही वे चलाते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चल जाते। सवेरे 3 बजे आपके लिए तो रात होगी, लेकिन सवेरे 3 बजे वे जल्दी से उठ जाते, शौच वगैरह पूरी विधि खत्म करने के बाद वे 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए वे चले जाते थे। पैदल आते, गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर ही होगी, तब वे घर में नहीं नहाते थे तो गंगा जी यानी नदी जो घाट है वहां पर जाया करते थे, गंगा जी के तीर पर किनारे पर वहीं पर नहाने का काम वे करते थे या नहाते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ ही एक सुराई गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते, तो वे अपने साथ एक सुराई लेकर जाते। 6:30 बजे तक वे वापस आते और उस सुराही में वे गंगा जल भरकर लाते और आते ही सीधे जो उनका पूजा घर था उस पूजा घर में जाकर पूजा के लिए बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती थी,
एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। अब उनका घर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए कई सारी चीजों के लिए एडजस्टमेंट की गई थी। पूजा घर से प्रिंटेड नहीं बनाया गया था, तो वहां पर जो जीना था, जो जीना आप लोगों को मालूम है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए बनाया गया जो रास्ता होता है, ओके। तो जो जीने के नीचे जो जगह थी उसी पर मंदिर बनाया गया था। बगल में एक अलमारी थी, उस अलमारी में एक लाल कपड़े में बनी दो पुस्तकें थी, बस्ते में बनी दो पुस्तकें थी, एक थी रामचरितमानस और दूसरी थी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, दीवार पर राम कृष्ण शिव गणेश हनुमान सरस्वती लक्ष्मी जी दुर्गा जी की शीशे में जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। तो उनके पूजा घर में कोई मूर्ति नहीं थी, तो उनके घर के पूजा घर में और पूजा घर के आसपास कई सारी तस्वीरें भगवान की बनाई हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था, और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोती खोली जा सके। अब उनके पिताजी बहुत ऊंचे होने के कारण उन्हें उस कोठरी में जाने के लिए झुककर जाना पड़ता था। अब वो कमरा इतना बड़ा नहीं था, उनके पिताजी उस कमरे में बैठ जाने के बाद सिर्फ इतनी जगह बचती थी जिस पर रियल का मतलब होता है जिस लकड़ी के स्टैंड पर हम पोथी रखते हैं या जो हमारा धर्म ग्रंथ रहता है उसे रखते हैं, तो उस रियल को रखा जाए, उस पर पोथी खोलकर उसे पढ़ा जा सके, इतनी जगह वहां पर बचती थी। वे मानस का नवाई पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। तो आगे वे जो मानस रात्रि मानस है उस कई नवाहिक यानी उस पूरे रामायण को 9 हिस्से में बांटकर उसका पाठ किया करते थे, यानी पूरी रामायण उन्हें 9 दिन में खत्म करनी होती थी। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाई के निशान लगे हैं। उनकी जो पोथी जो रामचरितमानस की पोथी में पढ़ते थे वो पोथी आज भी हरिवंश राय बच्चन जी के पास है, जिन पर उनके हाथों से निशान बनाए गए थे कि एक दिन में उन्हें कितना हिस्सा पढ़ना है, कितना भाग पढ़ना है। पाठवे सोसर करते थे, उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उन्हें कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ संप्राण और लय पूर्ण था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आगे वे रामचरितमानस का पाठ जो तो वे मतलब मनी मन नहीं पढ़ते थे, वो स्वस्वर बोलते थे। उनकी आवाज इतनी मीठी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी तेज और इतनी साफ थी कि उस कोठरी से बाहर उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, या आवाज उनकी सुनाई देती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और अब तक मैं उन्हें उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। तो लेखक आगे कहते हैं कि उनके कानों में पहली आवाज जो गई थी शायद वो उनके पिताजी के राम वो उसी मानस की ही थी, और आज भी वो आवाज उनके कानों में गूंज रही है। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना भी रोता क्यों ना हो, जैसे ही मेरा कटोला पूजा की कोठी के सामने लाकर डाल दिया जाता मैं चुप हो जाता था। तो उनकी जो दाई माँ थी तो वो कहती थी कि जब वे रोते थे, रविश राज जी बच्चे रोते थे, तो उनके परिवार वाले उन्हें उस पूजा घर की कोठरी के पास लाकर उनकी जो उनका जो चूल्हा था वो रख देते थे, और उस वहां पर उनके पिताजी के जो स्वर थे उन स्वर को सुनने के बाद हरिवंश राज जी जो थे वो चुप हो जाते थे, उनका रोना बंद हो जाता था। साथ ही साथ आगे अपने पिताजी के कौन कौन से अनुभव को हमारे साथ शेयर करें इसके बारे में जानकारी हम अपने अगले पीरियड में लेंगे।